हर महीने 1-6 महीने वैक्सीन करना भी न कराएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाईजान, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के एहसान है भैया। अच्छा भाईजान, हमें इन बकरियों के बारे में कुछ बताएं, इन बकरियों की कुछ खसूसियात बताएं, इनका नाम बताएं, और ये बताएं कि ये किस गांव में मौजूद हैं, और ये बकरियां कहां से आई हैं, इनकी प्राइस क्या है, ये हमें सब कुछ बताएं। सही, पहले तो ये सिंध में इनका जो नस्ल है जी जी, इसको टापरी गुलाबी बोलते हैं। अच्छा, टापरी गुलाबी बोलते हैं। टापरी गुलाबी। अच्छा, यानी ये बिसर नस्ल होती है जी जी, उसी में, ठीक है जी हाँ। और इसकी जो प्राइस तकरीबन 25,000 से 50,000 तक। अच्छा अच्छा हाँ, 1 लाख से 1.5 लाख तक शौक के हिसाब से जाती हैं, 2-2 लाख तक जाती हैं ये। अच्छा, 2-2 लाख के हिसाब से जाती हैं जी जी। अच्छा, एक बकरी उठाकर हमें उसकी कुछ खसूसियात बताएं, इन बकरियों के, इनके जो कलर के हिसाब से, इनका कलर कौन सा है, और मतलब इनके कान कितने होते हैं, और इनकी जो नेक होती है वो कितनी? नस्ल होती है पटेरी। अच्छा जी जी। उसके कान लंबे होते हैं जी, ठीक है। ये जो बिसर होते हैं इनके कान छोटे होते हैं, ठीक अच्छा है। और ये गुलाबी बोलते हैं इसको जी जी। और इसकी खूबसूरती ये जो इसके ऊपर आप ये हल्के हल्के से दूसरे कलर के आप पट्टे देख रहे हैं, ठीक है जी जी। इसकी खूबसूरती इसी में, और जो प्राइस भी ज्यादा इसी में मिलती है। ये कलर के जो दाने होते हैं ना इसके ऊपर जी जी, इन्हीं रंगों की वजह से इनकी प्राइस ज्यादा मिलती है। अच्छा, ये मतलब मंडी में शौकीन इनकी शौकीन इनको अच्छा, वो ही पहचानेगा कि ये कौन सी चीज अच्छी अच्छा, है कौन सी हल्के वाली है। अच्छा जी जी। मंडी में इनकी क्या प्राइस होती है? सही, मंडी में तो ऐसे अलग से प्राइस होती है, तकरीबन 25-30 जो 40 तक भी होती है। अच्छा, 25-30-40 हजार तक, मतलब 25 से स्टार्ट होती है जी जी, 50 तक, बाकी शौक के हिसाब से 1-1.5 लाख तक, 2 लाख तक ये जाती हैं। अच्छा जी जी। इनके कानों की मतलब लंबाई कितनी है? मेरे ख्याल से तकरीबन ये मतलब 6-7 इंच होगी, तकरीबन 6-7 इंच। अच्छा, 6-7 इंच जी जी। अच्छा, इनके जो बच्चे होते हैं उनकी प्राइस क्या होती है? इनके बच्चे तकरीबन 10,000 से स्टार्ट होते हैं, फिर 30,000 तक जाते हैं। अच्छा, अगर कोई खूबसूरत है तो 50,000 में भी जाता है, वो भी अच्छा, दूध पीता हुआ। अच्छा, अच्छा दूध पीता हुआ जी जी। अच्छा, वैसे हमें बताएं कि इनमें बीमारियां कौन कौन सी होती हैं? सही, बीमारी इसको हम तो तकरीबन सिंधी में बोलते हैं फिफड़ी। अच्छा, फिफड़ी बीमारी होती है। कचरा जी जी। और इनको अचानक ऐसे इनका गिरना जी जी, गिर कर उसी टाइम अचानक इनकी मौत होना। अच्छा, मतलब इसको आप फिफड़ी बोलते हैं? फिफड़ी बोलते हैं उसको। अच्छा जी जी। फिर इनकी मतलब दवाई आप कौन सी वैक्सीनेशन करवाते हैं? वैक्सीन होती है। कौन सी वैक्सीन होती है? तीसरे चौथे माह वैक्सीन होती है। अच्छा जी जी। कौन सी वैक्सीन होता है? इधर यहाँ से उडरलाल स्टेशन से जी जी, सरकारी है जी जी। लेकिन हम अपने जो भी दवाई वगैरह जो होती है वो लगाने के लिए हम अपनी खुद लेके आते हैं जी जी जी, ठीक है। और डॉक्टर को दिखा देते हैं कि भाई आप इसकी वैक्सीन करें, फिर जो भी उसकी फीस होती है हम दे देते हैं। अच्छा, दवाई भी अपने हिसाब से लिख के देते हैं भाई, अच्छी दवाई ले लें। अच्छा, लेके आते हैं। ये तकरीबन अपने पास कितनी मतलब ये कितनी बकरियां हैं अपने पास तकरीबन टोटल? सही है, तकरीबन 25 तक हो जाएंगी। अच्छा, 25 तक हो जाएंगी। अच्छा, ये हमारे मामू है मोहम्मद असलम हकड़ो जी जी, उन्हीं का ये शौक है उन्हीं का। अच्छा, ये मतलब हमें ये बताएं कि ये तकरीबन दूध कितना देती हैं एवरेज में? सही, एवरेज में तकरीबन सुबह और शाम का दूध 1 किलो तक। अच्छा, 1 किलो सुबह और शाम, मतलब 2 किलो दिन में ये दूध देती हैं? 1 किलो। अच्छा, 1 किलो दूध, क्योंकि इनके बच्चे भी हैं जी जी, उनके लिए भी दूध बचाना पड़ता है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। अच्छा, बड़ी मेहरबानी, आपसे मिलकर बहुत खुशी है। थैंक यू।